नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। एक दिन की छुट्टी के बाद आज देश भर में खुले बैंक। पैसा निकलवाने के लिए बैंकों और एटीएम के बाहर लगी लोगों की लंबी कतारें। आज से एक दिन में बदले जा सकेंगे 4,500 रुपए के नोट। नोटबंदी पर केंद्र सरकार को घेरने के लिए आज फिर होगी विपक्षी दलों की बैठक। कांग्रेस 100 विपक्षी सांसदों के साथ निकाल सकती है विरोध मार्च। वहीं आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बुलाया विधानसभा का आपातकालीन सत्र। शीतकालीन सत्र से पहले केंद्र सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। संसद को शांतिपूर्ण चलाने पर होगी चर्चा। नोटबंदी पर मचे बवाल के बीच आज सुप्रीम कोर्ट में होगी अहम सुनवाई। मोदी सरकार के फैसले के खिलाफ दायर की गई है जनहित याचिका। नोटबंदी के फैसले पर रोक लगाने की है मांग। भारतीय सेना के मुंह तोड़ जवाब के बाद बौखलाया पाकिस्तान। जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर के पल्लनवाला में पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीज फायर। रिहायशी इलाकों को बनाया निशाना, सेना ने दिया मुंह तोड़ जवाब। सीबीएसई अगले साल से फिर शुरू कर सकती है 10वीं की बोर्ड की परीक्षा। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का बयान, राज्य सरकार लेंगी अंतिम फैसला। और विश्व मौसम संगठन की रिपोर्ट का दावा, अब तक का सबसे गर्म साल साबित हो सकता है 2016। पिछले साल का रिकॉर्ड टूटने की जताई आशंका। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।